म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में गुरुवार शाम 4 बजे के आसपास इनोवा व मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत म्योरपुर थाने को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार त्रिपाठी तीनों घायलों को अपनी गाड़ी में लादकर आनंद फानन में CHC म्योरपुर ले गए, जहाँ 2 लोगों की प्रथम उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि 1 युवक का इलाज के दौरान CHC में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित प्रजापति पुत्र गहना लाल 23 वर्ष, अजय कुमार राम प्रसाद 25 वर्ष, ये दोनों थाना क्षेत्र के डडीहरा गांव में अपनी बहन के घर मिलने गए थे। बहन के घर से वापस अपने गांव आ रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार थाना क्षेत्र के देवरी गांव स्थित कटबनवा मोड़ से पहले तीनों मोटरसाइकिल सवार युवक ट्रक से ओवरटेक कर जैसे ही आगे बढ़े, सामने से आ रही इनोवा कार से आमने सामने की बुरी तरह से टक्कर हो गई, जिस कारण दोनों बाइक सवार रोड पर गिर गए और आपको बता दें ट्रक की चपेट में भी आ गए। और म्योरपुर CHC अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि एक की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये तीनों भाई लोग कहाँ गल रहे हैं? दुआ जगह लहम रहे थे। अच्छा, तो कै बजे गल रहे तुरे घरे? अभी तुरे करीब हमरे घर 3 बजे गल लहम हुआ आवत रहे। 3 बजे मिल के करीब मैंने आधा घंटा गिन बैठे। का का नाम रहे भाई के तोहर? अजय। अजय तोहर भाई रहे। हाँ। अब एगो दोस्त रहे ओकर? हाँ। अनिल दोस्त रहे। दुर्घटना हुई थी, 2 लोग घायल अवस्था में अस्पताल आपके आए थे, क्या स्थिति था? देखिए, 2 लोग देवरी में एक्सीडेंट हुआ था, एक का नाम अमित था, एक का नाम अजय था। अमित को हेड इंजरी थी, उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थिति जो कि अति गंभीर थी, बचने के चांसेस कम थे, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के साथ उसको हमने भेजा है। दूसरा एक अजय कुमार नाम का पेशेंट था, जिसकी क्रश इंजरी हो चुकी थी, मतलब कि पैर की बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई थी और 4-5 भागों में टूटा था। उसका बचना भी नामुमकिन था, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में म्योरपुर में अपने यहाँ में कर रहा था। इलाज के दरमियान ही उसकी मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। पुलिस को हमने सूचना दे दी है, पुलिस आ रही है, पंचायतनामा देकर उसको पोस्टमार्टम कराएंगे। नहीं,